राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राज्य सरकार व निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के बीच 8 मांगों पर समझौता होने के बाद संतुष्ट हुए डॉक्टरों ने बुधवार को 19 दिन बाद अस्पताल खोल दिए। इसी के साथ सोनोग्राफी केंद्र, रक्त जांच केंद्र व निजी क्लिनिक भी खुल गए और वहां मरीजों की भीड़ भी दिखाई दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि सरकार व डॉक्टर्स के बीच राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कल 8 मांगों पर समझौता हो गया था। निजी अस्पताल संचालकों को अब राइट टू हेल्थ बिल की नियमावली का इंतजार है। नियमावली आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि निजी अस्पतालों को इस बिल के तहत राहत मिली है या नहीं। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष व सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता व संवेदनशीलता से ही आज से राजस्थान में सभी निजी अस्पताल खुल गए हैं। गहलोत ने सभी विसंगतियों को दूर कर दिया है। करीबन 90% हॉस्पिटल इस आरटीएच बिल के दायरे से बाहर होंगे, लेकिन वह चिरंजीवी व आरजीएच की सेवा यथावत देते रहेंगे। इस संदर्भ में यह विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। अभी राज्यपाल से मंजूरी मिलना बाकी है, कानून बनना बाकी है। यह सारी प्रक्रिया में करीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। जनता में यह भ्रांति है कि यह कल से ही लागू हो गया है, ऐसा नहीं है। नियम कानून बनने के बाद यह बिल लागू होगा। यह एक डॉक्टर समुदाय की जीत है। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, निर्देशक श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल भीलवाड़ा। 17 दिन से जो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो आंदोलनरत थे, श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब सीएम साहब की दूरदर्शिता से और संवेदनशीलता से यह हड़ताल का गतिरोध समाप्त हुआ। आज से सभी राजस्थान में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस संदर्भ में जो विसंगतियां थी, उन सभी विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। करीबन 90% हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इस आरटीएच कानून के दायरे से बाहर होंगे। वो लोग चिरंजीव व आरजीएचएस की सेवाएं यथावत देते रहेंगे। इस संदर्भ में अभी ये विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। अभी राज्यपाल से मंजूरी बाकी है, कानून बनना बाकी है, तो इस सारी प्रक्रिया में करीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। सारी डिटेल्स वो कानून बनने के बाद ही सभी चीज संभव है। जनता में ये भ्रांति है कि ये कल से ही लागू हो गया है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा कानून बनने के बाद जो नियम व कानून आएंगे, उस आधार पे आरटीएच कानून का लागू होगा। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से ये गतिरोध समाप्त हुआ। इसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।